आज हम बात करेंगे मूवी ब्रह्मास्त्र के बारे में। इस मूवी के रिलीज होने के बाद से ही क्रिटिसिज्म और बॉयकॉट ट्रेंड के चलते चलते मूवी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर मूवी के कलेक्शन की बात करें तो नॉन हॉलीडे वीकेंड में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली ये पहली मूवी बन चुकी है। मूवी के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने इंडिया में 36 करोड़ की कमाई करते हुए वर्ल्ड वाइड मूवी ने 75 करोड़ की कमाई की। अगर सैटरडे की बात करें तो मूवी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मूवी ने इंडिया में 41 करोड़ के साथ साथ वर्ल्ड वाइड 121 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर बात करें संडे की तो मूवी ने पहले और दूसरे दिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए तीसरे दिन 46 करोड़ की शानदार कमाई की। वहीं मूवी का कलेक्शन अब वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। अब मूवी का थोड़ा क्विक रिव्यू कर देते हैं। मूवी का रन टाइम जहां 2 घंटे 40 मिनट का है, वहीं मूवी का पहला हाफ काफी बोर करता है। अगर शाहरुख खान के कैमियो और नागार्जुन सर के कैमियो को देखें तो वे मूवी में एक नई जान डाल देते हैं। वहीं अगर मूवी के दूसरे हाफ की बात करें तो मूवी के विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन काफी शानदार है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसी के साथ साथ मूवी ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट दिखाया है एक नए कॉन्सेप्ट की मूवी को निकालने का। अब अगर इसके नेगेटिव रिव्यू की बात करें तो लोग नेगेटिव रिव्यू इस बात पे भी दे रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की मूवी से थोड़ा मिलता जुलता भी है। मगर हॉलीवुड की कोई भी मूवी इंडिया में ऐसी नहीं है जिसने 300 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया हो। मतलब कि साफ है कि इन मूवी का भी एक लिमिटेड टारगेट होता है पब्लिक के लिए। अगर देखें तो 30 साल से नीचे के जितने भी लोग हैं उन्हीं लोगों को ऐसी मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं, या फिर ये कहें कि हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ आती हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, चाहे वो थॉर हो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो या एवेंजर्स की कोई भी मूवी हो, वो इतना ज़्यादा कलेक्शन इंडिया में नहीं करते हैं, मगर वर्ल्ड वाइड उनका कलेक्शन काफ़ी शानदार होता है। देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र मूवी उन लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे थी जिन लोगों को ऐसी मूवीज़ नहीं पसंद है। इस वजह से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से बॉलीवुड को अपने कॉन्सेप्ट और अपने कंटेंट पर थोड़ा काम करना चाहिए। वही सब कुछ इस मूवी में भी था। नए कंटेंट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मूवी आई थी, मगर लोगों ने इस मूवी को क्रिटिसाइज किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मूवी को देख लिया था और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मूवी को बिना देखे ही ये बताया कि ये मूवी बेकार है। अगर हमने इन मूवी का सपोर्ट नहीं किया तो हमें बागी और हीरोपंती जैसी मूवीज ही देखने को मिलेंगी। मूवीज के नाम पे हमें बस रीमेक ही दिखाए जाएंगे। अगर आपको भी ब्रह्मास्त्र मूवी पसंद आई है या फिर उस मूवी का कोई भी सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।